मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हैं हम मुमरा के अमीनाबाद चांदनगर इलाके में और यहाँ एक 5 से 6 मंजिला इकरा नामक इमारत है जहाँ से आज सुबह ईंट गिरने की वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब जिस वक्त ये ईंट गिरा है उस वक्त यहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था। बहरहाल उस व्यक्ति के ऊपर ये ईंट नहीं गिरा है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो लोग जो है बिल्डर पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो ये लिफ्ट के लिए जो जगह बनाई गई थी ये ऐसे ही छोड़ा गया है और यहाँ पर जो है कचरा जो ऊपर से फेंका जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर चूहे जो है नीचे ज़मीन में जो है काफ़ी गड्ढा कर दिए हैं। जो नीचे रहने वाले ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं उनको जो है काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, उनके घरों में भी यहाँ से चूहे जाते हैं और चूहों की वजह से जो है काफ़ी जो है यहाँ पर इनकी जो घरों की लादी है वो भी टूट रही है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं क्या तकलीफ़ है आपको, ये जो ईंट गिरा हुआ है यहाँ पर तो ये बिल्डिंग से गिरा है या फिर किसी ने फेंका है इसको? बिल्डिंग से ही गिरा है ये ईंट, हमने आँख के सामने देखे भाई। यहाँ पर जो चूहे लगे हमारे घर में पूरा पोकल कर दिए ये लोग ने, और हम अगर नीचे मर भी गए दब भी गए बिल्डिंग गिरेंगी भी तो ये लोग बोलेंगे कि इनके मुर्दे मत निकालो। किसकी बिल्डिंग है ये? ये बिल्डिंग पे एक बिल्डर को दिए, उसने 4 बिल्डर लाके खड़ा कराए उस पर, एक बिल्डर है दिएला, जो दिए वो बिल्डर है ही नहीं जगह पे, अब यहाँ दूसरे ही है, नहीं हम मुझे नाम नहीं मालूम। तो तकलीफ क्या, आप लोग बिल्डर से मांग क्या कर रहे हो, क्या चीज़ बनाने की मांग कर रहे हो? भाई हम मांग बनाने की नहीं कि ऊपर भी फ्लोर बनाएंगा तो अभी नहीं बनाना चाहिए इसने, क्योंकि बिल्डिंग लोन नहीं ले रही और हमारे को तकलीफ होगी तो फिर उसका जिम्मेदार थोड़ी लेने वाला है वो। बिल्डिंग लोड ले रही है, ऊपर से उसने यहाँ पे सपोर्ट लगाया हुआ है, बिल्डिंग को सपोर्ट डालने वाला है अभी, और ये सपोर्ट डालने वाला इसलिए डाल रहा है कि बिल्डिंग लोड ले रही है, बैलेंस नहीं ले रही थी, बिल्डिंग कमज़ोर है, 8 साल की बिल्डिंग के ऊपर इसने 4 माला ठोका है, ये इलीगल है। इसके बावजूद हमने कंप्लेंट किया था, इस कंप्लेंट को दबा दिया गया, हमने पुलिस में भी कंप्लेंट किया, इसको भी उसको लोगों ने ये कर दिया गया, हमारी आवाज़ को दबाया गया। हम चाहते हैं कि कानून इसका पूरा इसके ऊपर एक्शन ले, बस मैं तो ये चाहता हूँ कानून इसके ऊपर और म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट इसके ऊपर पूरा एक्शन ले। तो ये जो इमारत है इसी इमारत पे पहले यहाँ चाल हुआ करती थी आप, फिर यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी, तो अभी आप लोगों की क्या मांग है बिल्डर से, क्या आप लोग बनवाना चाह रहे हैं? इस बिल्डिंग को जो बनाया ना जैसी बनना चाहिए वैसी ये बिल्डिंग नहीं है। मांग क्या करने का, साफ़ सुथरी हो, मजबूती हो, हर जाने आने के टाइम पे लीफ के गाले से रात को देखो सुबह को देखो तो मिट्टी गिर रही, ये गिर रहा है, हम रात को सो भी नहीं सकते, हमको कैसा मालूम पड़े यहाँ बिल्डिंग में से गिर रहा है, बिल्डिंग पोकल हो रही, क्या हो रहा है। हाँ कल को मर भी जाएंगे दबके तो कोई बोलने वाला थोड़ी, नए नए आके यहाँ पे हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे, चेंबर भी खुला पड़ा हुआ है, चेंबर के जरिए चूहे घरों के अंदर आ रहे तो करने आया क्या, सामान का नुकसान हो जाएगा, बिल्डर तो अपने घर में बैठा हुआ है और हम लोग क्या करना फिर यहाँ पे, नुकसान को क्या करना? चेंबर है वो तो बोल रहे हैं कि अभी जो आए थे उनका कहना है कि हम काम करा के, वो काम करा के ले लेंगे बोल रहे, वो आज 1 महीने से बोल रहे। ये लीफ का काम जब मैंने बोला ये लीफ को साफ करवाओ तो बोला 1 साल लगेगा साफ करने को, 1 साल बाद लीफ लगेगी, ये लीफ कब लगेगी और ये लीफ वो दीवार झेलेगी? इससे ये जो लिफ्ट की जगह बनी है इसको लेकर क्या तकलीफ है आप लोगों को? ये लीफ के गले के अंदर देखो, ये लीफ के गले के अंदर, ये लीफ का गला 2-2.5 फुट नीचे था, इसके अंदर चूहे लगे हुए थे, इसको मिट्टी भरा गया, मिट्टी भरने के बाद फिर चूहे लगे, हर लोगों के घरों के अंदर लादियाँ बज रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है। आप पानी जब भरता है तो ज़मीन में जो पानी आता है यहाँ से भी पानी आता है, करें क्या, बारिश का जब पानी भरता है तो घरों में पानी आता है, इस साल तो पानी भर गया था पूरा घर में। आपका घर कहाँ? मेरा ये बाजू, यही मच्छर सब घर में आता है, पीछे तो खिड़की नहीं खोल सकते हम लोग, पूरा चैम्बर खुला हुआ है, पानी पूरा अंदर आता है। चैम्बर खुला हुआ, कभी बिल्डर से आप लोगों ने बोला कि उसका काम करा के? बोले हमने, क्या बोला? वही चम्बर खुला है, बोलते हम बना के देगा, अभी तक तो बना के दिया नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ इस्माइल खलीफ है। अच्छा, क्या ये जब बिल्डिंग बनी थी तो उस वक्त जो है आपका यहाँ पर चौल था, घर था, अभी आपको घर मिला है जो आपको घर मिला है? घर की बात हुई थी कि 350 कारपेट एरिया मिलेगा, उसमें बिल्डिंग जो पहले लिया था वो बिल्डर ने आसिफ बिल्डर करके था, उसने छोड़ दिया, उसने उसके किसके भाई को दिया, उसने भी बनाना छोड़ दिया तो दूसरा कोई बना रहा है, हमको बोला कि 350 कारपेट देगा, उसके बाद में छोटे छोटे घर बना के छोड़ दिया, अब ऊपर खाली चढ़ाते जा रहे हैं, वो हिसाब में बिल्डिंग बनती आ रही है, तो ये ना इंसाफी नहीं है तो क्या है। अभी कितने बिल्डर इसे इमारत को बनाने का काम किए? अब करने को तो 2-3 हो गए इसमें, पहले ने छोड़ा तो दूसरे ने लिया, दूसरे ने हाल फिलहाल में कौन बना रहे? अब हाल फिलहाल में ये कर रहे काम। क्या नाम है जो अभी हाल फिलहाल में? ये महफूज और करीम है।
इन लोग ही बना रहे। तो इन लोगों से आप जो आप लोगों की तकलीफ है यहाँ पर, इन लोगों से बोले क्या? उन लोग से ये नहीं, उन लोग से नहीं, जो आप लोगों को तकलीफ है, जैसे आप बता रहे हैं चैम्बर का काम नहीं हुआ और ये लिफ्ट का काम नहीं हुआ, तो ये सब तकलीफ है आप लोगों ने उनसे बताए? सब बताए, बोल बोल के थक गए। ये पीछे जितनी गंदगी ये सब है, पाइप फूटा था पूरा, संडास का पानी नीचे गिर रहा था, नहीं बोलने पे नहीं सुना, फोन नहीं उठाने को था, दूसरे दिन आके वो एल्बो लगाया, अभी भी उसमें से पानी टपक रहा है पूरे। शाम में मच्छर घर में आते, तो इससे बीमारी नहीं तो क्या है, ऐसी बीमारी की हाल में चल रहे और ये बीमारी पैदा करके लेने का पीछे या क्या? खाली उधर हाल देखो और इधर की शूटिंग निकालो, मालूम पड़ेगा क्या है। ये बिल्डिंग का भी देख लो, ये बिल्डिंग के पीछे कितनी गंदगी कचरा है, बीमारी नहीं फैलेंगी तो क्या आएगा इससे? सुनो, मेरा नाम सईदा है। क्या मेरे को ना, मेरे बिल्डर ने दो रूम थे मेरे, दो रूम में से उसने मेरे को एक रूम बना के दिया, पाँच छः महीने छः साल से भाड़ा भी नहीं दिया है। अब वो घर बन गया, हमने शिफ्टिंग ले लिए, पाँच महीने का पैसा भी उनको रिटर्न दे दिया हमने। फिर उसके बाद में उन्हें क्या करा, अभी मोलिक चल पाँच माले भी देंगे, अभी पहला माला बना, दो माला बना, तीन माला बना, कुछ भी नहीं किया। अब पाँचवा माला जब मेरा हक है तो मैं उस बोलने गए तो क्या बताया, आसिफ बिल्डर से मिलो। अब आसिफ के पास तो है ही नहीं, उससे तेरे हाथ में कहता है तू सबको घर दे, तो तू घर मेरे को देना, मेरे पास अग्रीमेंट है, मेरे पास टैक्स पावती है, मैं टैक्स भरती हूँ जगह का। और आसिफ बिल्डर हाई ने मैं जाके ऑफिस में बता, यहाँ नहीं होता, कहे यहाँ से खाली करके गए लोग। अब मेरे को घर कौन देगा? छोटे छोटे घर दिया है। तो आपके कितना घर था? मेरे दो घर थे। आपको कितना घर मिले? अभी एक ही मिला है, थोड़ा बढ़ के दिया है। क्या बोला? थोड़ा छोटा देगा, पाँच माले पे बंदम किचन देगा। तो अभी बन गया तो बंदम किचन देना, मतलब माप लेके, माप लेके बोले देगा बोला था। अब बोलता हूँ आसिफ से मिलो, अभी आसिफ दो देगा चार देगा तो मैं दूंगा। अरे तो हमारी जो जगह वो उतना हमको दो, हमको दो तीन चार नहीं मांगता है। इसके अलावा जैसे गटर का है और चैम्बर का है, तो ये सब क्या तकलीफ है आप लोगों ने बना के दे? हमको तकलीफ नहीं दिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर, मेरे को चैम्बर बना के मांगता है, छः महीने से चैम्बर बनाने बोली। और खिड़कियाँ बंद करने को बता, खिड़कियाँ कैसे हम बंद करेंगे? यानी इमारत का काम पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ है अभी, जब चैम्बर इमारत का नहीं काम पूरा हुआ, किरक तो आया मेरे घर में, ऊपर से पानी गलता है चैम्बर का, किचन में पूरा पूरा प्लास्टर खुल गया, आके आप चिकन में देखो पूरा पूरा खुल गया उससे। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो इस चौल में रहने वाले लोग हैं, हालांकि ये एक पाँच से छः मंजिला इमारत है, और जो इस इमारत में ऊपर रहने वाले लोग हैं वो लोग जो है यहाँ पर जो कचरा वगैरह है वो यहाँ पर फेंकते हैं, जिससे नीचे रहने वालों को काफ़ी तकलीफें होती हैं, और जो बिल्डर है उससे भी जो है चैम्बर और ऐसे गटर का काम जो है इन लोगों ने कहा करने के लिए, लेकिन और रूम है जो, जैसे अभी की महिला बता रही थी कि जो इनके दो रूम थे लेकिन अभी उन्हें फ़िलहाल एक ही रूम दिया गया है, इसी तरह के जो है बिल्डर से इन्हें काफ़ी शिकायतें हैं। और इस इमारत के निर्माण में करीब तीन से चार बिल्डर जो है शामिल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी भी इसी तरह के जो है ऊपर से ईंट, हालांकि ये ईंट जो है कुछ लोगों का कहना है कि इमारत से गिरी है, कुछ लोगों का कहना है कि किसी ने ऊपर से फेंक दिया है, ये पुष्टि नहीं हो सकती कि क्या इमारत से गिरा है या फिर किसी ने फेंका है। बहरहाल किसी को ये यहाँ पर चोट नहीं लगी, लेकिन जिस तरह से इमारत के रहने वाले लोग हैं उनकी इस इमारत में रहने के काफ़ी शिकायतें हैं। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।